हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक गुरुजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 5 की। उससे पहले बता दूं कि ये है मेरा मर्चेंडाइज, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फोटो, यहाँ पे अभिषेक सिंह। अगर आपको ऐसा मर्चेंडाइज चाहिए तो मैं ऊपर एक पोल रख रहा हूँ, तो अगर मैक्सिमम लोग ने बोला कि हमको आपका मर्चेंडाइज चाहिए तो मैं उसका लिंक अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 5 के बारे में। स्पेसिफिकेशन पूरी तरीके से लीक हो चुकी आ चुकी है और मैं बता सकता हूँ कि ये एकदम पक्का स्पेसिफिकेशन यही होने वाला है Redmi Note 5 में, जो कि 14 February को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। दिल्ली में इसका लॉन्च इवेंट रखा गया है, तो कुछ इस तरीके से मिलता है हमको Redmi Note 5 की बात करें तो 5.9 इंच का एक आपको 1080x2160 का रिजोल्यूशन वाला स्क्रीन मिलता है, जो कि 18:9 के डिस्प्ले के साथ आता है। जी हाँ, बोल सकते हैं एक बेजललेस डिस्प्ले के साथ आपको ये मिलने वाला है और ज्यादा कुछ जानकारी मिली नहीं है। आप ये नहीं बताएगा यार Xiaomi का देखो कैसा है ना, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ वो तो लाता है नहीं, तो इस बार देखेंगे कौन सा ग्लास वो इस्तेमाल किया। लेकिन मेरे हिसाब से एक ये एमोलेड भी नहीं है, एक बोल सकते हैं कि LCD का जो डिस्प्ले है वही इसमें लगाया गया 5.9 इंच की स्क्रीन के साथ। तो देख लीजिए, मैं डिस्प्ले की बात करूं तो बोलूंगा कि यार जैसे Xiaomi का डिस्प्ले रहता है उसी तरीके से ये भी डिस्प्ले होने वाला है, बस 18:9 के साथ ही आपको मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें मिलने वाला है आपको दो प्रोसेसर, Qualcomm Snapdragon 636 और Qualcomm Snapdragon 660। अब ये बोला गया कि जो हाई एंड वेरिएंट रहेगा उसमें 660 लगाया जाएगा, जो लो एंड वेरिएंट रहेगा उसमें 636 लगाया रहेगा। साथ में Adreno का GPU दिया रहेगा जो कि 510 का रहने वाला है। अब यार 636 और 660 की बात करूं तो ये एक नया प्रोसेसर है Qualcomm की तरफ से आया है और इसमें जो आर्किटेक्ट के ऊपर इसको जो बनाया गया है वो है Cairo का, यानी कि Cairo के आर्किटेक्ट पे इसको बनाया गया। और मैं बता दूं कि Cairo का जो प्रोसेसर है ना फ्रेंड्स, Cairo का जो आर्किटेक्ट है वो इतना पावरफुल है ना यार कि मतलब आपको डे एंड या फिर बोल सकते हैं रेगुलर यूसेज में तो कभी आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और Cairo का प्रोसेसर यार बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने यार मतलब ऑब्जर्व किया देखा है Cairo का प्रोसेसर, अगर मैं वो बात करूं 810 Qualcomm Snapdragon जो 810 का प्रोसेसर या फिर 820, तो Cairo का ये जो 660 वाला है ना वो उतने तक के परफॉर्मेंस को टक्कर दे देगा। और 40% जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को पावर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू जो Snapdragon 625 था या फिर 630 आपको देखने को मिल जाता था, तो 636 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर मैं रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 4GB और एक शायद 6GB रैम के साथ बोला जा रहा है। अब लीक तो निकल के आई है कि 3GB 32GB वाला वेरियंट भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 32GB अब नहीं रखेंगे, 4GB 64GB या फिर 6GB 64GB आपको ये दो वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा। MIUI 9 के साथ आपको मिलेगा फ्रेंड्स। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो फ्रेंड्स आपको 8.0 जो कि ओरियो है लेटेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए कुछ तरीके से आपको लेटेस्ट यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। साथ ही में अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे डुअल कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जो कि 16+5 MP का लगाया गया है। कौन से सेंसर है अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है। और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा यार Mi A1 का हम लोग ने देखा था जो कि बजट में एकदम बाप कैमरा था, उसी तरीके से इसका भी बाप कैमरा रहने वाला है। अब साथ में बैटरी की बात करूँ तो 4000 mAh का बैटरी आपको बोला गया और इसमें बताया गया है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है Xiaomi के फोन्स को रिलेटेड, क्योंकि Xiaomi जल्दी देता ही नहीं यार क्विक चार्ज या फिर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, देता भी है तो चार्जर फास्ट चार्जर का नहीं देता है। तो कुछ इस तरीके से मिलता है फ्रेंड्स इसका फीचर स्पेसिफिकेशन। अब प्राइसिंग की बात करूँ तो जो 4GB 64GB वाला प्राइसिंग है वो करीबन आएगा 14,000 रुपये में, और जो शायद हाई वेरिएंट आएगा वो शायद 16,000 या 17,000 रुपये के बीच में हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। 14 February को इसका लॉन्च डेट रखा गया है, तो देख लीजिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा अभी के या फिर बोल सकते हैं कि पहले जो क्वार्टर है 2018 का, तो वन ऑफ द बेस्ट फोन Xiaomi लेके आ रहा है और बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास Mi A1 है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा, बाकी सब चीज सेम ही रहने वाला है। बाकी आपके पास अगर कोई भी पुराना फोन है तो आप जरूर से जरूर Xiaomi का Redmi Note 5 के लिए जा सकते हैं। ये था वीडियो, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने बताया कि पोल पे मैंने दिया है कि आपको ये चाहिए मेरा मर्चेंडाइज की नहीं, वो भी मुझे बता देना। बनी बेटे गुरु जी के साथ बोलते रहिए जय हिंद।